से परेशानियों से दुखों से गमों से अल्लाह रब्बुल आलमीन छुटकारा अता कर देगा। नमाज दुखों तकलीफों का बोझ हल्का करता है, आंखों की ठंडक है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ मौत में मुब्तला थे, मौत के आलम में अपनी फिक्र पड़ी हुई रहती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम और आपको वसीयत कर रहे थे मालूम है? अस्सलाहु व मा मलकत अयमानुकुम। ऐ लोगों, नमाज को कायम करना, नमाज की पाबंदी करना, पांचों वक्त की नमाज को बजमात अदा करना, कहीं ऐसा ना हो तुम काम और काज में लगकर, अपने बिजनेस में लगकर, अपनी तिजारत में लगकर तुम नमाज को कजा कर दो। याद रखो ऐ लोगों, तुम नमाज को कजा ना करना, तुम नमाज को ना छोड़ना, और गुलामों के साथ अच्छा सुलूक करना, अच्छा बर्ताव करना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में वसीयत कर रहे हैं हम आपको। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मेहरबान है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जरा सोचने का मकाम है, हम और आप अपने कारोबार में लगकर नमाज को जाया कर देते हैं, वो नमाज जो कब्र में साथ में जाने वाली है, हशर में साथ में जाने वाली है, उस अमल से हम और आप आंखें चुराते हैं, बदन चुराते हैं, खुशहाल और खुशगवार जिंदगी हासिल करने का तीसरा उसूल है तक्वा। तक्वा दुनिया के दुखों तकलीफों परेशानियों से बचने के लिए और खुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, जो गुरबत और कर्ज की वजह से, बेरोजगारी की वजह से परेशान हाल रहते हो। तक्वा से मुराद है अल्लाह रब्बुल आलमीन से ऐसा डरना, ऐसा खौफ का खाना कि आदमी को, इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी और हराम काम से इज्तिनाब कर ले और बच जाए। और जब जब किसी से दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ इस तरीके से बैठ जाता है, जब किसी इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा डर पैदा हो जाता है जिसकी वजह से वो परहेजगार बन जाता है और गुनाहों को छोड़ देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का उससे ये वादा है, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मुश्किलात से निकलने का कोई ना कोई रास्ता और सबील बना देता है। وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, और ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाता है कि उसे एहसास भी नहीं होता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हर काम को आसान बना देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाइए, आपका मुश्किल से मुश्किल काम हल हो जाएगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो डरता है, जो खौफ खाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुश्किलात से, परेशानियों से और दिक्कतों से, दुखों से, गमों से निकलने का रास्ता
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमवार कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूं, इलाहा इल्लल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को किताब व सुन्नत पर अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। इलाहा इल्लल आलमीन हम तमाम मुसलमानों की जिंदगी को खुशहाल और खुशगवार बना। आमीन। इलाहा इल्लल आलमीन हम तमाम मुसलमानों का मावा और मलजा जन्नत अता फरमा और जन्नत बना दे। आमीन। तकब्बल या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर रहीमीन।